हेलो एवरीवन, डिज़ायर कुकिंग क्लासेस में आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ लौकी और नारियल की बर्फ़ी। बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है ये, बहुत जल्दी बनने वाली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में। म्यूज़िक के साथ में मैं इसको बना रही हूँ, इंजॉय करूँगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और थम्स अप का बटन नहीं दबाना भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गुलाब जल या छोटी इलायची का एसेंस, हरा फूड कलर। 1 किलो मैं दूध इसमें गर्म कर रही हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे 1 घिया। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, जिसको हम 1/2 कप दूध के अंदर डिजॉल्व कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है मेरे पाउडर को मिल्क के अंदर और इसको मैं उबलते हुए दूध में डाल देती हूँ। आपके पास अगर मावा अवेलेबल हो तो आप मावा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं घिया, जो मैंने ग्रेट करके रख ली है। अच्छे से उबल चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी, टेस्ट को दुगना करेगा। इसके लिए हैवी पैन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखा हुआ है। इसमें मैंने खोपरा है मेरे पास तो ये इसको घिया कस कर लिया है। आप चाहें कोकोनट पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं अब ऐड कर देती हूँ नारियल का बुरादा, खोपरा। सब इंग्रेडिएंट्स हम डाल चुके हैं। अब हमें इसे किनारा छोड़ने तक और एकदम अच्छा गाढ़ा होने तक हमें पकाना है, जिसमें कि तकरीबन हमें, अगर हम हाई फ्लेम पे इसको करेंगे तो 15 से 20 मिनट में ये हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से उबाली आ गई है और इसको हम कंटिन्यू स्टर करते हुए ड्राई करेंगे एकदम। और बिल्कुल भी इसमें मिल्क नहीं बचना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम ड्राई करते हैं।
काफ़ी ड्राई होने लग गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें दूध दिख रहा है। मुझे ड्राई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉन्ग मेरे ऑन है, कार वापस सुन के मज़ा आ जाता है। और सॉन्ग को आर डी वर्मन के सॉन्ग चल रहे हैं। ड्राई हो रहा है अभी भी, ये थोड़ा सा भी दूध फिर भी है। ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, तो उसमें आप चाहे तो गुलाब जल, मोटी इलायची या फिर उसका एसेंस डाल सकते हैं। चार चार बूंद, बहुत ज़्यादा तेज नहीं डालेंगे। अब अच्छे से ड्राई होने लग गया है। ये देखिए, अब दूध आपको बॉटम पे बहुत ही कम दिख रहा है। मुझे इस हल्का सा भी जो दिख रहा है, इसको भी ड्राई करना है। इसको मैं हाई फ्लेम पर अच्छे से सेक लेती हूँ। मैंने इसमें देसी घी भी डाला था, तो वो भी इसकी शाइनिंग भी आएगी। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए, बिल्कुल भी इसमें अब मिल्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं फ्लेम को ऑफ कर सकती हूँ। इसमें हम डालेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा रंग डाल सकते हैं, फूड कलर अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ग्रीन कलर डाल के मैं इसको एक ग्रीस की हुई देसी घी से प्लेट में सेट करूँगी। हरा रंग डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है, एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है। देसी घी मैंने एक प्लेट पे लगाया था और इससे मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब इसको एक स्क्वायर शेप में मैं सेट करती हूँ। थोड़ा सा मोटाई अच्छी रखेंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो। बर्फी को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी कटिंग कर देते हैं, जितना आपको साइज चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मीठा थोड़ा सा ही खाने में अच्छा लगता है। गाने मेरे ऑन है और इसके ऊपर अब गार्निशिंग कर देते हैं हम कोकोनट पाउडर के साथ में।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मुझे फीडबैक ज़रूर दें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये बर्फी की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो ट्राई ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं का बटन ज़रूर दबाएं नई वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।